क्या 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 कमेंट किया है, और वो सब कमेंट्स में एक कमेंट्स बहुत ज्यादा कॉमन था, वो था आपका किचन कहाँ है, किचन कहाँ है, किचन कहाँ है, ये तो हाय गाइस वनकम वंदनम सुस्वागतम, मैं हूँ आपका राजा, मैं हूँ निकिता। तो आज का जो व्लॉग है वो एकदम स्पेशल है, तो बहुत टाइम से जो हमारे फैमिली ऑडियंस के लिए है, क्योंकि हम लोग ने इसके पहले हमारे ऊपर का रूम रिनोवेट किया था, तो वो एकदम वीडियो वायरल हो गया था। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाकर वो वीडियो को देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो इधर पिन कर दूंगा मैं। तो बहुत जन ने पूछा है क्या क्या कमेंट किया है, और वो सब कमेंट्स में एक कमेंट्स बहुत ज्यादा कॉमन था, वो था आपका किचन कहाँ है, किचन कहाँ है, किचन कहाँ है, ये किचन कहाँ है, किचन कहाँ है, बहुत कॉमन था, बहुत बोला था। तो आप लोगों को वो भी दिक्कत है, अभी किचन भी हम लोगों ने, अभी हमने नीचे का रूम भी रिनोवेट किया है। जैसे कि आपको पता है मुंबई में बहुत बड़ा घर तो थोड़ा मुश्किल है, बट हमारा जितना भी छोटा सा घर है उसको हमने एकदम अच्छे से डेकोरेट किया है। चलिए आज हम आपको ये छोटा सा स्वीट होम का टूर बताते हैं, लेकिन उससे उसके पहले हमारा घर कैसा था, हाँ वो एक पहला छोटा सा एक वीडियो देखा देखते हैं, फिर वहां मैं अपन निकलते हैं। सुनो, अगर मेरी लॉटरी लग जाए तो तुम क्या करोगी? आधी रकम लूंगी और हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी। 1,000 की लॉटरी लगी है आज, ये ले आधी रकम और निकल यहाँ से। हम लोगों ने रिनोवेशन किया नीचे का घर, उसके बाद कैसे कैसा दिखता है, चलो टडान आइए। तो गाइस देखो टाइल्स बिल्स लगा, पहला कैसा था और अभी कैसा है, टाइल्स बिल्स लगा के ऊपर का पीवीसी करके लगाया है हमने, बहुत जन पीओपी लगाते हैं, तो ये पीवीसी है इतना फायदेमंद है ना, ये किसी को पता नहीं है, पानी भी वाटरप्रूफ भी है और टिकता भी है और रीजनेबल प्राइस है, पीओपी से कंपेयर किया तो ये थोड़ा रीजनेबल प्राइस, तो इतना मस्त हम लोग ने बनाया। देखो हम लोग ने जो ये डोर बनाया, फर्निशिंग जो हमने किया वो एक ही डिजाइनर से किया है पूरा सेम, और ये रेडीमेड नहीं है, पूरा बना के लिया है दरवाजा, और ये हमारा शोकेस है, और ये हमारा मंदिर है, भगवान का मंदिर है, और देखो कितना मस्त लग रहा है। और देखो हम लोगों ने हमारा जो वेंकटेश परमल है, जो हमारे हम बहुत मानते हैं इन भगवान को, मतलब बालाजी भगवान जो है वो हम लोग बहुत ज्यादा मानते हैं साउथ इंडियंस स्पेशली। तो इसमें और एक चीज बताते आपको, इसमें लाइटिंग भी है, देखो कितना मस्त लग रहा है, इसमें लाइट्स भी चेंज होता है, रिमोट का है, ऐसा स्लो करेगा तो मजा आता है, तो इतना स्लो लाइट होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, और मस्त बनाया, कहाँ से बनाया आप कमेंट करो, हम तो आपको बताएंगे कि कहाँ से बनाया, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम में डीएम करो, इतना आप अलग अलग जो भगवान है उनको भी कर सकते हैं ऐसा डायमंड वर्क के साथ लाइटिंग साइज, यस आपके हिसाब से आप साइज। तो गाइस टीवी यहाँ पर लगा है, किचन स्पेस था, छोटा सा एक स्पेस था, हमने सोचा वो स्पेस क्यों खाली जाना चाहिए, मुंबई में छोटे छोटे घर होते हैं तो जितना होता है उतना ज्यादा हम जगह का इस्तेमाल करना चाहिए, तो हमने एक छोटा सा एक वार्डरोब ऐसा वार्डरोब जैसा बनाया है देखो, और इसमें ट्रॉली भी है, यहाँ पर नीचे दो ट्रॉली है, ये सब बुक बिक है, वहाँ पर लॉक है, इतना अच्छा कस्टमाइज किया। देखो हम लोगों ने ये जो मिरर लिया है हम लोग को वीडियो बनाने के लिए, लाइट्स 3 लाइट है, कैसा लग रहा है, मस्त ना,
यहाँ पर लाइटिंग आप देख सकते हो, चार एलईडी लाइटिंग लगाया है और इसमें एक वॉल फैन लगाया है हमने, तीन कलर है एलईडी। तो अभी सबसे मैं किचन बताते हमारा किचन बताते हैं कि लोग तरस रहे थे किचन देखने के लिए। yes. तो आइए देखते आइए देखिए किचन। अभी ये फ्रिज है और हम लोग का किचन देखो, छोटे से जगह में कस्टमाइज किया है पूरा हम लोगों ने, और चार चूल्हा वाला गैस लिया है क्योंकि सुबह एकदम जल्दी कॉलेज जाना रहता है, तो ये चार चूल्हा वाला गैस अभी ये सब हमने वॉश किया है क्योंकि गणपति आ रहा है तो साफ सफाई भी चालू है एट द सेम टाइम। और हमने सोचा पहले गणपति बप्पा यहाँ पर हमारे घर में आगमन करने के पहले हमको एक आपको आप लोगों को एक छोटा सा हम घर का विजिट करवा देंगे क्योंकि इसके बाद बहुत वीडियो बनने वाले हैं, तो उसके पहले ही दिखा देंगे। तो अच्छा, तो बाकी का सब ट्रॉली सिस्टम बता किया है हम लोगों ने, फ्लैट में सब होता है, बहुत अच्छे से कस्टमाइज किया है, ये देखो मस्त है। और यहाँ पे दरवाजा बनाया है और आपको बाथरूम भी बताते हैं। तो गाइस वॉशरूम देखो बनाया है पूरा मस्त, मैं दिखाता हूँ। बच्चों लोग के लिए डॉल्फिन का टाइल्स, उन लोगों को बहुत अच्छा लगता था इसके लिए। तो ये था गाइस हमारा छोटा सा होम स्वीट होम टूर, आपको हमारा घर बहुत अच्छा लगा होगा और ऊपर का तो आपने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, जाके देखिए, वो भी बहुत मजा आएगा, बहुत वायरल हुआ था। और स्पेशली गणेश चतुर्थी के ओकेशन के लिए हमने घर रिनोवेट किया था, तो हम यही चाहते थे उसके पहले हम एक आपको छोटा सा हमारा घर का एक वीडियो बना के दिखा देंगे, तो हमने वीडियो बना दिया, आप भी देख लीजिए और कैसा लगा हम लोग को कमेंट करना, और कुछ कमी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ नहीं है अच्छा लगा वो भी कमेंट करना। तो थैंक यू सो मच। अभी निकिता पास्ता बनाने वाले किचन में, तो वो भी थोड़ा झलक दिखा दे। तो ये बन गया है पास्ता, हमारे घर पे पास्ता कोई नहीं खाता है, सिर्फ बच्चे लोग खाते हैं, इसके लिए उनके लिए थोड़ा सा ही बनाया है। तो ये हमारा छोटा सा किचन।